नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। मैं अभी मौजूद हूं रांची के मोरहाबादी मैदान में। आपको हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि देखिए ये स्टेज तैयार हो रहा है। कल यहीं पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, 11वें मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के। और देखिए चारों तरफ बैनर टांगा गया झारखंड सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में। अब सभी राज्यवासियों का हार्दिक स्वागत है। और ये दिखा रहे हैं, देखिए सामने बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है यहाँ पर। और ये देखिए लोगों की 10,000 लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। देखिए चारों तरफ ये कुर्सियाँ लगी हुई है और उधर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ पर जिनको स्टेज पर नहीं दिखाई देगा उसके लिए 15 LCD चारों तरफ, इस ग्राउंड के चारों तरफ 15 LCD लगभग लगाया गया है। चारों तरफ हम आपको घूम घूम कर तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ LCD लगाए गए हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर कल के जो लोग आने वाले हैं मुख्य अतिथि में, उनका नाम 2-4-10 नाम हम ले लेते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, वो आने वाले हैं। श्री राहुल गांधी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आने वाले हैं। श्री पी चिदम्बरम आने वाले हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। श्री अहमद पटेल कोषाध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये आने वाले हैं। श्रीमती प्रियंका वड्रा गांधी आने वाली हैं, महासचिव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। श्री अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आने वाले हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचेंगे जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। शरद यादव आएंगे, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है वो आएंगी। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो आएंगे। श्री कमलनाथ आएंगे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। श्री भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे कल। श्री उद्धव ठाकरे पहुँचेंगे जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शरद यादव जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं और NCP के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, और MK स्टालिन जो DMK के अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे। मायावती पहुंचेंगी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और श्री HD कुमार स्वामी जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचेंगे, और उपसभापति जो अभी हैं राज्यसभा के श्री हरिवंश वो भी पहुँचने वाले हैं। और ऐसे तमाम बड़े नाम है। कन्हैया कुमार आपको बता दें कि CPI के जो नेता हैं कन्हैया कुमार वो पहुंचने वाले हैं, और KC वेणुगोपाल पहुंचेंगे। RPN सिंह जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए थे वो पहुंचेंगे। श्री उमंग सिघार नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहुंचेंगे। प्रणव झा पहुंचेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रबाबू नायडू जो पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पहुँचेंगे। TR बालू सांसद है वो पहुँचेंगे। कन्नी मोजी पहुँचेंगी, सांसद है DMK की। अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुँचेंगे, पूर्व मंत्री बिहार के रह चुके हैं। हरीश रावत पहुँचेंगे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। और निरंजन पटनायक जो प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा कांग्रेस के हैं वो पहुँचेंगे यहाँ पर। तो आइए हम सुनवाते हैं जो कि यहाँ के जो व्यवस्था की जा रही है, वरीय अधिकारी हैं वो क्या बोले हैं, मीडिया से क्या बात की है, आपको सुनवाते हैं। बजे इसी मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जा रहा है। भव्य प्रदर्शन है और राज्य की जनता में बहुत हर्ष है। तो सभी लोगों से हमने इनवाइट किया है और सभी लोग बड़े उमंग के साथ और हर्ष के साथ यहां पर भाग लेंगे। कई राज्यों से मुख्यमंत्रीगण आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा VIPs आ रहे हैं, और हम सब लोगों की तैयारी बिल्कुल पूरी है। ना ही सिर्फ विधि व्यवस्था को लेकर, ना ही सिर्फ ट्रैफिक को लेकर, ना ही सिर्फ समारोह को लेकर, बल्कि उनके लिए आतिथ्य के लिए वो सबके लिए हम लोग प्रोटोकॉल ऑफिसर और सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं। और ये झारखंड के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जिससे कि झारखंड राज्य के बारे में लोगों को हम लोगों ने स्टेट गेस्ट हाउस में और यहाँ के जितने बड़े होटल्स हैं उनमें ये व्यवस्था कराई है। जी बिल्कुल, 4 कैटेगरीज हैं, सबका ट्रैवल मूवमेंट भी हम लोगों ने निर्धारित किया। VIPs तो करीब 100 तक पार कर रहा है, तो हमारे लिए तो वैसे सभी लोग VIP हैं, आम जनता भी उतनी VIP है। हम सबके लिए ध्यान, लोगों की बैठने के लिए कितने, करीब 10,000 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था है। हाँ नहीं, आप लोग तो सबसे, आप लोग जो बहुत बड़े आम लोग, तो मैंने बताया ना 10,000 लोगों की व्यवस्था। और यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं झारखंड के DGP KN चौबे, क्या मीडिया से उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सुरक्षा के जितने मुमकिन इंतजाम है वो सब पूरे कर लिए गए हैं। 3 जगहों पे हम लोग का विशेष ध्यान होगा। सबसे पहले तो ये मंच, यह सभा स्थल जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है, इसके अलावा
एयरपोर्ट जहाँ से अधिकतर माननीय अतिथिगण आ रहे हैं, उसके अलावा तीसरी जगह जो रहने की व्यवस्था जहाँ पर होटल्स हैं जहाँ पर माननीय अतिथिगण रहेंगे, और उसके अलावा जितने भी नए माननीय विधायकगण हैं उनके आने जाने के रास्ते, उनके परिजन, उनके साथ आने वाले लोगों की, सबों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की गई है, व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ रहने का है और जो सभा स्थल है वहाँ की उनकी सर्वथा चेकिंग हो गई है। कुछ जगहों से जो VVIP के अपने पर्सनल स्टाफ आए सिक्योरिटी के, उनके साथ राज्य पुलिस के पदाधिकारियों का समन्वय स्थापित हो गया है। जो चूँकि बड़ी सभा में आवाम भी यहाँ पर उपस्थित होगी शपथ ग्रहण समारोह में, इसलिए एक स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था रहे जहाँ कोई विशेष परेशानी नहीं हो, इसके लिए ज़्यादा बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। कल हमने राज्य के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ शाम में बैठक भी की है कि ट्रैफिक की व्यवस्था सुदृढ़ रहे, जिससे किसी को आने जाने में, चाहे वो आम आदमी हो या विशिष्ट व्यक्ति हो, किसी को भी इसमें परेशानी ना हो और वो लोग आराम से इस भव्य समारोह में शामिल हो और अपनी शिरकत करें। सर, कितने पूर्व राष्ट्रपति से लेकर कई VIP आ रहे हैं सर, उनके सुरक्षा को लेकर? देखिए, जितने भी VVIP आ रहे हैं, शाम तक उनकी एक पूरी लिस्ट हमारे पास हो जाएगी। इन सभी VVIPs का अपना सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन है, YY+ ZZ+। तो जैसा सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन है उसी के मुताबिक उनको सुरक्षा व्यवस्था मिल जाएगी। थैंक यू सर। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा मीडिया से, और आइए देखा जाए TV स्क्रीन पर जो स्क्रीन लगा हुआ है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, झारखंड के हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं जो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और इनके स्लोगन में भी लिखा जा रहा है कि आ रहा है झारखंड माटी का बेटा। तो ये देख रहे हैं, ये कल की तैयारियां चल रही है जो कि हम आपको अभी दिखा रहे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बिहार और झारखंड की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।